क्या समझना है हमको सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। ये भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं आपके, चाहे आपका डीसीए पीजीडीसीए का एग्जाम हो, चाहे आपका सीपीसीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया है ना, या किसी भी डिग्री डिप्लोमा के कोर्सेज में आपको क्या पूछा जाएगा, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा कि सॉफ्टवेयर है क्या, हम अपने कंप्यूटर में जो है क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमने इस्तेमाल किया है पेंट ब्रश का, और पेंट ब्रश से हम क्या चलाते हैं, पेंट ब्रश में हम क्या बना रहे हैं, ड्राइंग करते हैं। पेंट ब्रश से क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पेंट ब्रश के बाद हम क्या करते हैं, नोट पैड का इस्तेमाल करते हैं, और नोट पैड में क्या वर्क करते हैं, हम टाइपिंग करके और इस पर जो भी चीजें चाहे वो सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में ये सारी चीजें जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर में ये सारी चीजें जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राइंग बनाने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, या एमएस वर्ड का इस्तेमाल हम आगे करेंगे क्या चीज के लिए, लेटर बनाने के लिए, अभी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसके माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं आपके सॉफ्टवेयर। जैसा कि यहाँ पर इमेज दिया गया है, आपके कंप्यूटर में अगर आपको फोटो मिक्सिंग का काम करना है तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, आपको डेटा मेंटेन करना है तो एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल की जरूरत पड़ेगी आपको, आपके कंप्यूटर बस से काम नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपके में ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, वो भी क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास जो इंटरनेट आप चला रहे हो वो वेब ब्राउजर भी क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से जो आप वायरस से बचाने के लिए अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हो वो भी क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर। जैसे आपका मोबाइल है, अगर हमने सिंपल मोबाइल बस लिया हुआ है तो वो क्या है, कंप्लीट हार्डवेयर है, उसको केवल हम अभी देख सकते हैं, छू सकते हैं, बस हो गया। लेकिन यदि उसमें हमको कोई गेम चलाना है, फोन से हमको बात करनी है, किसी का कॉन्टेक्ट है उसमें हमको सेव करना है, उसमें हमको इंटरनेट चलाना है, अपनी फोटो खींचनी है, तो उसके लिए उस मोबाइल में क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का यूज करके यूजर उस पे वर्क कर सकता है, उस हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकता है। तो कंप्यूटर में यदि हम कंप्यूटर में वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अब सॉफ्टवेयर को और अच्छे समझते हैं कि सॉफ्टवेयर आखिर किस तरीके से होता है और कैसे बनता है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये है क्या, ठीक। आपको ये मालूम है कि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को, कंप्यूटर समझता हमारा मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज का मतलब कौन सी लैंग्वेज हो गई, मशीन लैंग्वेज का मतलब हो गया आपका जीरो या वन। कंप्यूटर केवल इस भाषा को समझता है जीरो या वन के फॉर्म को, जिसे हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल इसको समझता है। अब कंप्यूटर में हमको कोई भी निर्देश देने होते हैं, कंप्यूटर में हमको कोई भी निर्देश देने होते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं उसको निर्देश या इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, किसी भी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन का समूह, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर हमको कंप्लीट एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट तैयार करना है जिसमें कि हम ड्राइंग बना सकें, तो कंप्यूटर को हमने उस प्रकार से एक इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई हमको ऐसा ड्राइंग सॉफ्टवेयर चाहिए है जिसपे हम वर्क कर सके। तो अब ये आपके इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन मिलकर के क्या बन जाएगा, प्रोग्राम, क्या बन जाएगा, एक प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम पेंट ब्रश में मान लीजिए कोई कलर पिक करने का एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमने कलर पिक किया और किसी ड्राइंग में कलर कर दिया, तो वो एक छोटा सा क्या हुआ, उस पेंट ब्रश के लिए प्रोग्राम हुआ, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम तक पहुंच गए, प्रोग्राम का ही कलेक्शन, प्रोग्राम का कलेक्शन क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है।
क्या कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि जैसे पेंट ब्रश है, तो पेंट ब्रश में छोटे छोटे प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? एक ड्राइंग बनाने का प्रोग्राम है पेंसिल के द्वारा, एक उसमें कलर फिल करने का प्रोग्राम है, एक रिएक्टेंगल बनाने का प्रोग्राम है, एक शेप बनाने का प्रोग्राम है, फिर उसमें सेव करने का है, फिर उसी को प्रिंट करने का है, फिर ड्राइंग को ओपन करने का है। ठीक, तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर के क्या बन गए? कंप्लीट सॉफ्टवेयर। क्या बन गया? कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन गया। तो सॉफ्टवेयर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम का कलेक्शन है। सॉफ्टवेयर क्या है? छोटे छोटे प्रोग्राम का कलेक्शन है सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम्स क्या है? प्रोग्राम्स है वो निर्देश जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तरीके से हमको बतलाना पड़ेगा कि हमको ये लेटर बनाना है, हमको ड्राइंग करना है, हमको इंटरनेट चलाना है, हमको म्यूजिक सुनना है, हमको प्रिंट निकालना है, ठीक है, हमको कोई गेम खेलना है, हमको बंद करना है, हमको चालू करना है। कुछ ना कुछ निर्देश तो देने होंगे, लेकिन उस निर्देश को कंप्यूटर समझेगा कैसे? उस निर्देश को कंप्यूटर समझेगा प्रोग्राम के रूप में, और वही प्रोग्राम का कलेक्शन मिलकर के क्या होता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये सब समझ लीजिए, प्रोग्राम्स हैं और उन प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है। जैसे कि फोटोशॉप का ये पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। तो इस फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर के अंदर फोटो को क्रॉप करने का प्रोग्राम है, फोटो को एडिट करने का प्रोग्राम है, फोटो में लाइट बढ़ाने का प्रोग्राम है, फोटो को ड्रैग ड्रॉप करने का प्रोग्राम है, फोटो को दो फोटो को मिलाने का प्रोग्राम है। ये बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के क्या बना दिया आपका? सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर बना दिए। उसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर में डेटा को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका नाम एक्सेल है। उसी प्रकार से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को सेव करने के लिए एक प्रोग्राम है, फोल्डर जिसको हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए ये मीडिया प्लेयर का एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर गाने को फॉरवर्ड करना, बैकवर्ड करना, प्ले करना, स्टॉप करना, पुश करना, ये सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर बने हुए हैं। वैसे ही पावर पॉइंट भी क्या है? एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे अभी हम एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाने का प्रोग्राम, फॉरवर्ड करने का प्रोग्राम, स्लाइड को रोकने का प्रोग्राम, तो ये छोटे छोटे अलग अलग प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम किससे मिलकर के बने होते हैं? ये प्रोग्राम मिलकर के बने होते हैं इंस्ट्रक्शन से। इसी तरीके से जो आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल है, उस मोबाइल में भी अगर आप सिंपल केवल मोबाइल की बात करें तो वो क्या है? कंप्लीट एक हार्डवेयर है। अगर आप एक मोबाइल की बात करें तो वो क्या हुआ? एक बाहरी रूप में पूरा एक हार्डवेयर हुआ, लेकिन उसके अंदर आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है, एक एप्लीकेशन चल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे, जो आपके मोबाइल में चल रहा है, जिसकी वजह से आप मोबाइल को इस्तेमाल कर पा रहे हो, आप मोबाइल में कॉल कर पा रहे हो, आप मोबाइल में इंटरनेट चला पा रहे हो, आप अपनी फोटो को किसी को शेयर कर पा रहे हो। जैसे व्हाट्सएप क्या हुआ? सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है, जिसको हम मोबाइल की भाषा में ऐप बोल देते हैं। और वही अगर हम विंडोज में आते हैं तो उसको हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं या एप्लीकेशन बोल देते हैं। समझ गए? तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये था आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर। इसके बाद में हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरीके से आएगा, भाई सॉफ्टवेयर क्या है? आपने डिटेल में समझ लिया अच्छे तरीके से कि कंप्यूटर को निर्देश देने होते हैं, कंप्यूटर को जब हम निर्देश देते हैं उसी का कलेक्शन प्रोग्राम कहलाता है, और प्रोग्राम का कलेक्शन क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहां पर देखिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी अलग तीन कैटेगरी है। एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर और तीसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम। ये किसके प्रकार हुए? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अभी इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको।
ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या, नॉर्मली इसको पहले समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें क्या यूज हो रहा है, जब हम अपने कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, ठीक है, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसके हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं उसे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपने कंप्यूटर नया लिया, अभी तो वो सिंपल क्या है, एक हार्डवेयर है, लेकिन यदि उसमें हमको प्रोग्राम चलाना है तो उस हार्डवेयर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर की भी तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, उस हार्डवेयर को चलाने वाले एक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो उस हार्डवेयर को चलाएगा उसको क्या कहेंगे, जो उस हार्डवेयर को चला रहा है, उस हार्डवेयर को ऑपरेट कर पा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो क्या है, हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया जिसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, उस हार्डवेयर को चला पाएंगे। लेकिन अब उसमें हमको इंटरनेट चलाना है, उसमें हमको कोई वीडियो देखना है, उसमें हमको किसी डॉक्यूमेंट को बनाना है, उसमें हमको डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए हमको किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसा इसकी इसका नाम है अनुप्रयोग, मतलब कि हम कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं, हम कंप्यूटर में वीडियो देखना चाहते हैं, हम कंप्यूटर में कोई गेम खेलना चाहते हैं, हम कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर में कोई फोटो मिक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब हमको किसी उसके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो जिसका यूज हम कर रहे हैं अपने किसी वर्क को करने, ठीक। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हो गए हमने जैसे देख लिया, आपका एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हो गए, एक हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन प्रकार हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके कंप्यूटर में जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पहले कंप्यूटर में विंडोज 7 होता था, अभी कंप्यूटर में विंडोज 10 आपको देखने मिल रहा होगा, इसका अपडेटेड वर्जन भी आ गया जिसको क्या बोलेंगे, विंडोज 11 वर्जन है। तो ये जो विंडोज है वो क्या है, वो किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल। ये विंडोज का यहाँ पर लोगो बना हुआ है पहचानने के लिए कि हम बात कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसी प्रकार से ये दूसरा जो लोगो है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, ये किसका है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जैसे हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो अभी नीचे हमको टास्क बार दिखाई देता है, फिर स्टार्ट मेन्यू दिखाई देता है, हम उसमें वॉलपेपर चेंज कर पाते हैं, फोल्डर बना पाते हैं, किसी भी इमेज को सेव कर पाते हैं, गूगल क्रोम इस्तेमाल कर पाते हैं, वो सब हम काम किसमें कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसमें कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसी तरीके से अगर हमको जरूरत हो अपने कंप्यूटर में विंडोज की जरूरत ना हो, हमको जरूरत हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हम क्या इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। उसमें थोड़ा सा उसका वर्किंग एनवायरनमेंट अलग होता है, जैसे उसमें हार्ड डिस्क अलग जगह आपको शो होती है, उसमें आपका डेस्कटॉप जो विंडोज में बोलते हो उसमें कुछ और बोलते हैं, किसमें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक। PGDCA में भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फंडामेंटल में ही पढ़ोगे। तो ये कौन सा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी लिनक्स का एक उदाहरण है, और ये बना दिया गया यहाँ पर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने बतलाया भी आपको। यदि आपका सिंपल मोबाइल आप लेते हो तो उसमें आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपके मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एग्जाम्पल है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है आपका एंड्रॉइड। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड। जब हम खरीदते हैं मोबाइल तो भी हम देखते हैं कि भाई इसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है। यदि आपने आईफोन लिया हुआ है तो आईफोन में आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, उसी के कारण आप
आईफोन को ऑपरेट कर पाओगे। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें डिवाइस ड्राइवर, अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो देखिए डिवाइस ड्राइवर को हम समझते हैं, आप अपने कंप्यूटर में अगर किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट किया, अब प्रिंटर तो कनेक्ट कर लिया लेकिन वो चलेगा कैसे, उसके लिए एक ड्राइवर, उसको चलाने वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो उस प्रिंटर को चलाएगा। तो वो भी एक प्रकार से क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, लेकिन वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के काम में आ रहा है, डिवाइस, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है डिवाइस। डिवाइस कौन सी डिवाइस? जो हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड होती है, माउस, कीबोर्ड, इंटरनेट चलाने के लिए कोई मॉडेम कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, कोई ब्लूटूथ कनेक्ट है, ये सारे डिवाइस को जो चलाने के लिए हम अलग से सॉफ्टवेयर या कोई ड्राइवर जिसको बोलेंगे, सॉफ्टवेयर को ही ड्राइवर बोलेंगे, ड्राइवर मतलब चलाने वाला सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर डिवाइस को, क्या कहलाएगा आपका, डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर का पर्टिकुलर कोई ऐसा इनमें एग्जांपल नहीं दिया गया है, फिर भी मैंने बता दिया प्रिंटर कनेक्ट किया एप्सॉन का, ब्रदर का, या जो भी उसका कोई आपके उसके साथ कोई सीडी आएगी, उस सीडी को आप इंस्टॉल करोगे तभी आप उस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हो। तो वो डिवाइस क्या हुई, वो प्रिंटर हुआ एप्सॉन ब्रदर का, और उसको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर क्या हुआ, डिवाइस ड्राइवर हुआ। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। आप तो डायरेक्टली उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो लेटर बनाने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए या ड्राइंग बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, वो डिवाइस कर रहा है जो उससे कनेक्टेड है, और वो डिवाइस को चला रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे आपका, डिवाइस ड्राइवर। थर्ड है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी, आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो लेकिन आपको वो सपोर्ट करेगा आपके वर्क को आसान बनाने के लिए, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, उसको बोलेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम में देखिए यहां पर जैसे दिया गया एग्जांपल आपका एंटीवायरस का, एग्जांपल दिया गया है यहां पर एंटीवायरस का। क्यों दिया गया है एग्जांपल एंटीवायरस का, क्योंकि ये एंटीवायरस ही है आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में स्पेस भर गया, स्पेस भर गया, तो अब आप चाहेंगे कि वो स्पेस कम हो जाए, कोई ऐसा ऑप्शन हो जो हमारे कंप्यूटर में स्पेस को कम कर सके, जैसे आपके मोबाइल में भी ऐसे बहुत सारे फीचर होते हैं कि आपको रैम को रिलीज कर देना है जिससे बाकी के प्रोग्राम आप गेम चला रहे हो या कोई चीज़ चला रहे हो वो आसानी से चला सको, या आपको अननेसेसरी फोटोज डिलीट करना है तो उसके लिए आप कोई ऐप इंस्टॉल कर लोगे या मोबाइल में पहले से होगा मास्टर क्लीनअप जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करेगा अननेसेसरी फोटो को, जो एक सी फोटो उनको डिलीट कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके वर्क करने में हेल्प कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूटिलिटी प्रोग्राम। इसको क्या बोलेंगे हम, यूटिलिटी प्रोग्राम। अब देखो यूटिलिटी प्रोग्राम को भी तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है, फाइल मैनेजमेंट, वायरस क्लीनअप और डिस्क क्लीनअप। अभी मैंने वायरस क्लीनअप के बारे में बता दिया कि जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, नेट प्रोटेक्टर, मैकैफी और क्विक हील, ये कुछ नाम है, कई बार मोबाइल में भी हम इंस्टॉल करके रखते हैं एंटीवायरस। ये एंटीवायरस होता क्या है, कई बार प्रोग्राम हम नेट से कुछ ऐसी चीज़ें सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जो कि हमारे दूसरे प्रोग्राम को इफेक्ट कर सकते हैं, है ना, या तो कई बार वो हमारे किसी पासवर्ड को चुरा सकते हैं, किसी दूसरे को भेज सकते हैं, वो बनाए ही इसलिए जाते हैं, तो उससे जो है प्रोटेक्शन कौन करेगा हमारा, वो करेगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो किस कैटेगरी में आता है, यूटिलिटी प्रोग्राम की कैटेगरी में आता है। फिर डिस्क क्लीनअप के बारे में बता दिया, हार्ड डिस्क भर गई है, कंप्यूटर स्लो चलने लगा है, मेमोरी फुल भर गई है, हार्ड डिस्क कुछ रेड बतलाने लगा है कि यार आपकी मेमोरी फुल हो गई है, तो डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने हार्ड डिस्क को क्लीन कर सकते हो, जो अननेसेसरी फाइल है, जो बार बार जिसकी डुप्लीकेट फाइल बन रही है उसको हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका सेकेंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो समझ गए ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हो, जिसका प्रयोग आप कर रहे हो लेटर बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मूवी देखने के लिए,
कोई फोटो एडिट करने के लिए, या तो प्रिंट निकालने के लिए, या तो इंटरनेट चलाने के लिए, है ना, या तो कोई डेटा एंट्री के लिए, जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हो सॉफ्टवेयर का, उसको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी जो है दो कैटेगरी में बांट दिया गया, स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब ये हो गया, हमारे घर में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, हमको लेटर टाइप करना है सिंपल, हमको एक्सेल में कुछ बजट बनाना है, हमको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये सारे कार्य क्या कहलाएंगे? जनरल पर्पस। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का काम हम किस में करते हैं? एमएस वर्ड में करते हैं। स्प्रेडशीट अगर हमको बनानी हो तो किस में बनाएंगे? हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। अगर हमको प्रेजेंटेशन बनाना हो तो हम किस में बनाएंगे? पावर पॉइंट में बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये एमएस ऑफिस जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की किस कैटेगरी में आएगा? जनरल पर्पस। एमएस ऑफिस किस कैटेगरी में आएगा? जनरल पर्पस कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से आपका है स्पेसिफिक पर्पस। क्या है आपका स्पेसिफिक पर्पस? ये स्पेसिफिक पर्पस क्या है? अगर एक स्कूल में पूरे स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करने के लिए वो स्कूल एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनवाता है जिसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर केवल स्कूल के लिए है। वहाँ के जो एम्प्लॉई टीचर्स हैं प्रिंसिपल हैं वो बस डेटा को एंटर करेंगे, ये जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं केवल वो लॉग इन कर पाएंगे, बाकी दूसरे लोग तो उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है, और उसका उनके लिए यूज भी नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर बनवाया गया जो वहां केवल उसी चीज के लिए है उसको क्या बोलेंगे? आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है पेरोल सिस्टम या अटेंडेंस सिस्टम। ये क्या है पेरोल सिस्टम? मान लीजिए कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एम्प्लॉई को सैलरी देना, कितने दिन वो आए हैं, कितने दिन का उनका अब्सेंट है, ये सारा मैनेजमेंट होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है पेरोल सॉफ्टवेयर। अब ये पेरोल सॉफ्टवेयर क्या हम कहीं नेट से निकाल लेंगे या हम बना लेंगे? तो ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाएगी। इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? इसलिए इसको रखा गया है स्पेशल पर्पस कैटेगरी में, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है। एक और उदाहरण दिया गया है इसमें एचआर मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, जैसे ऑफिस में आपका वर्ड है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, एक्सेल है, तो ये क्या हुआ आपका एप्लीकेशन का उदाहरण हुआ। इसके बाद ये एप्लीकेशन में जनरल पर्पस का उदाहरण हुआ। किसका हुआ? जनरल पर्पस का, ठीक है। और ये एचआर मैनेजमेंट हुआ, ये देखो एचआर मैनेजमेंट, ये किसका एग्जांपल बताया गया आपका? स्पेशल पर्पस का। ये स्पेशल पर्पस में क्या है एचआर मैनेजमेंट? ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया स्कूल मैनेजमेंट का, तो ये एचआर मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया? किसी कोई पर्टिकुलर कंपनी है वो चाह रही है उसके यहाँ एक सॉफ्टवेयर हो जो नए एम्प्लॉय आ रहे हैं उनका पूरा डेटा मेंटेन हो, वो कितनी छुट्टी ले रहे हैं उसका डेटा मेंटेन हो, वो किस पोस्ट में है उसका डेटा मेंटेन हो, नई रिक्रूटमेंट हो रही है या कोई छोड़ करके जा रहा है, वो सारा डेटा मेंटेन करने के लिए एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम है एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ये सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर में किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा स्पेसिफिक पर्पस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इस पूरे डायग्राम से मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में प्रोग्राम्स का समूह होते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में आसानी से काम कर सकते हैं। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस का समूह होते हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्यों देने पड़ते हैं कंप्यूटर को? क्योंकि कंप्यूटर केवल जीरो और वन के फॉर्म को समझता है और हम अपने समझने वाली भाषा में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। कंप्यूटर उसके बाद उसको क्या बनाता है? प्रोग्राम्स के रूप में हम उसको कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और प्रोग्राम्स का ही समूह क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स का ही समूह क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि नाम है, जिसका इस्तेमाल सिस्टम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं उसको बोलते हैं
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल अगर कंप्यूटर हम लेकर के आ जाएंगे उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो वो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर में कोई नया हार्डवेयर कनेक्टेड है, प्रिंटर है, मॉडम है, ब्लूटूथ है, स्कैनर है, कोई भी डिवाइस है, उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या कहलाएगा? डिवाइस ड्राइवर। हमारे वर्क को जो सपोर्ट करेगा वो कहलाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, वायरस को क्लीन करने के लिए, डिस्क को क्लीन करने के लिए, और जो हमने फाइल बनाई हुई है उसको मैनेज करने के लिए, जो भी हम फाइल बनाते हैं अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट ब्रश की, जो भी फाइल बनाते हैं उसको मैनेज करने का काम भी यूटिलिटी प्रोग्राम का होता है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। अभी हम जो लैब में सिंपल प्रैक्टिस करते हैं, घर में बजट तैयार कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो सारा काम जनरल पर्पस। लेकिन किसी कंपनी में स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया उसको क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा स्पेसिफिक कैटेगरी में आएगा, जैसे स्कूल मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, मेडिकल शॉप में मेडिकल मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, फीस मैनेजमेंट, समझ गए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये सब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको बोलेंगे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आपका सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पर आप कैटेगरी के रूप में याद रखें तो ये हमेशा याद रहेगा। उसके बाद ये पिक्चर में भी हमने बतला दिया कि यहाँ पर ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, विंडोज का है, लिनक्स का है, एंड्रॉइड का है, ये भी है, लिनक्स का फ्लेवर उसका है, ये भी एक स्काइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वीडियो कॉल करने के लिए, ये यूट्यूब का है, यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वीडियो देखने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ वो वेब एप्लीकेशन है, वेब सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से ये भी एक ब्राउजर भी एक सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट चलाने के लिए, वेब पेजेस को देखने के लिए वेब ब्राउजर क्रोम का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एक और है, मोजिला भी आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आता है, वो सब किसके एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ये VLC क्या है? मीडिया प्लेयर है। क्या है ये? मीडिया प्लेयर, जिसमें हम म्यूजिक सुन सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी हम करते हैं, इसी कारण से वो भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आ गया आपका यूटिलिटी, और ये एप्लीकेशन को उदाहरण, और ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जो कि आपको याद रहेगा तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी भी एग्जाम का बड़े आसानी से कर पाओगे, या आपके किसी थ्योरी वाले क्वेश्चन में आएगा तो वो भी वहां पर आप आसानी से इसके बारे में लिख पाओगे। तो ये था कंप्लीट सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है।